मैंने 3 आईडी लगाई, घर की फोन एक ही है, क्या ऐड देख सकते हैं? स्टार्टिंग में तो आप देख सकते हो, बट बाद में कंपनी श्योर आईपी एड्रेस का एक नया पैनल में वो चीज आएगा, जैसे अपना एप्लीकेशन आता है तो, और उस वक्त आपको एक आईडी के लिए एक ही डिवाइस चलेगा, उसके लिए फिर आईपैड, लैपटॉप, पीसी या मोबाइल, इनमें से कोई भी आप यूज कर सकते हो। थैंक यू। सुमन जी पूछ रही है एक एड का कितना टाइम होगा, जो 60 एड आते हैं उसमें एक एड कितने मिनट का, कितने सेकंड का होगा? उसके बारे में मैंने मेरे ख्याल से आज एक अच्छा एक मैसेज ड्रॉप किया था ग्रुप में, पूरा डिटेल वो मैसेज है, लगभग आप तक भी मैम पहुंच जाएगा। उसमें नियर अबाउट 10 सेकंड टू 20 सेकंड का टाइमिंग हो सकता है एक ऐड का, और अगर कुल मिला के पूरे दिन का अगर देखें तो 20 से 25 मिनट। थैंक यू। थैंक यू सर, एड देखते वक्त अगर कॉल आए, ये प्लान का रिलेटेड सवाल है सर। प्लान में बताया जाता है कि अगर आप एड देख रहे हैं, कोई कॉल आ गई तो वहीं पे रुक जाएगा और नेक्स्ट जैसी कॉल खत्म होगी आपके एड चालू हो जाएगा। ये प्लान के रिलेटेड प्लीज क्वेश्चन ना करिए। टीवी कितना टाइम डॉक्यूमेंट अदर आईडी के लग गए लेकिन वेरीफाई हो गई क्या? टीवी करते टाइम डॉक्यूमेंट अदर आईडी के लग गए और नॉर्डिक तो आप मेल करेंगे तो वहां से चेंज हो जाएगा। जो मैंने आपको बताया था कि नाम वगैरह वो जालाइफ स्टाइल से चेंज होगा। अगर डॉक्यूमेंट और फोटो किसी गलत लग गई है वो नॉर्डिक से हो पाएगा, वहां से रिजेक्ट हो जाएगा, तब आप फ्रेश लगा सकते हैं। ठीक सर है मेरे विशाल जी, ये पास? सही है? थैंक यस बिल्कुल बिल्कुल सर, सही यू होगा। थैंक यू थैंक यू। मेरी डाउनलाइन में एक रजिस्ट्रेशन करवाया था, अपना नाम पूरा डाला था, मगर जब उसने अपना पर्सनल वेरिफिकेशन किया तो मिडिल नेम मिस हो गया, तो अब उसका आईडी पर जो मिडिल मिस कर गया है तो उसके आगे कोई इशू तो नहीं होगा? अगर उनका वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया है तो फिर कोई इश्यू नहीं है। अगर इश्यू रहता था तो उसी वक्त रहता था कि आपका सिस्टम नहीं लेता था, बट आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम ठीक है, और आपका जो डॉक्यूमेंटेशन का जो यूनिक कोड होता है वो अगर मैच करता है आपके आईडी से तो केवाईसी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अभी तक बैंक अकाउंट लिंक में नहीं आया है, इसकी जरूरत नहीं है क्या? आगे मतलब बैंक जोड़ने का ऑप्शन जो इसके बाद आएगा, जब ये ऐड देखने का सिस्टम आएगा ना तो आपको बहुत सारी चीजें उसके अंदर डालनी होगी, जैसे नॉमिनी का नाम, बैंक का अकाउंट, और जो इनकम शो होगी वो डमी इनकम शो होगी। लेकिन हम लोगों में से कुछ लोग उसको निकालने की भी कोशिश करेंगे, वो निकलेगी नहीं। जैसे मोबाइल देखने जाते हैं डमी दिखाते हैं ना लोग, ऐसे यहाँ पे डमी दिखाया जाएगा कि कितने लोग उसको देख रहे हैं। मैं तो बार बार एग्जाम्पल देता हूँ पोलियो का, कि सुरक्षा चक्र टूट ना जाए, एक भी बच्चा रह ना जाए। उसी तरीके से है कि यहाँ पर हर इंसान ऐड देखेगा और तभी उसको इनकम आएगी। आप सोचे मैंने एक दिन ऐड देख लिया, नहीं, जब तक पायलट प्रोजेक्ट चलेगा, डेमो चलेगी, आपको डेली देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये समझ कर चलिए। जी सर एक बोलिए। मेरे पास क्वेश्चन आया है कि जब नॉमिनी का ऑप्शन मिलेगा तब नॉमिनी में जो 18+ का है उसी का नाम डालना है या बच्चों का भी डाल सकते हैं? विशाल जी नॉमिनी में तो 18 कंप्लीट होना ही चाहिए, 18 के नीचे आप नॉमिनी नहीं मेंशन कर पाओगे तो, और अगर ऐसा कोई प्रावधान आता भी है तो आने वाले दिनों में नॉमिनी का जब ऑप्शन आएगा तब पता चलेगा, बट नॉमिनी के लिए 18 साल कंप्लीट होना जरूरी है। थैंक यू। थैंक यू। एक अल्फा कुछ और एकेडमी कब से शुरू होगी सर? क्या पूछा है? अल्फा एकेडमी कब शुरू होगी? अल्फा एकेडमी तो सर जब शुरू होगी तब आपको बताया जाएगा। अरुण सर ने इसके बारे में भी जिक्र किया कल के मीटिंग में और लास्ट मीटिंग में भी। जल्दी से एक अलग पैनल, अलग एकेडमी का वो निर्वाह कर रहे हैं, और ऑलरेडी अपना मेरे ख्याल से पांडे जी इसके बारे में मेरे से अच्छा बता पाएंगे। पांडे जी उसके ऊपर वर्क चल रहा है सर, और बहुत जल्दी उसका जो फाइनल रिपोर्ट आएगा वो सब लोगों को बता दिया जाएगा विद इन 1 वीक। ये जो इंडिया का जो पेमेंट गेटवे है, जो स्टार्टअप होने के बाद अल्फा एकेडमी का भी काम शुरू हो जाएगा। दोनों काम डिफरेंट है, लेकिन दोनों कामों में कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों कामों में इन्वॉल्व हैं, सेम सेम पर्सन, इसलिए थोड़ा सर पहले पेमेंट वाला जरूरी है, फिर उसके बाद अल्फा एकेडमी जरूरी है। जी सर, थैंक यू। सर, इसमें एक क्वेश्चन और, वही सेम क्वेश्चन शाम वाला रिपीट हो रहा है कि माय फर्स्ट नेम बट नॉट लास्ट नेम, सर नेम पेज नॉट कंटिन्यू, व्हाट टू डू?
कितने बार बताया गया इहा के अंदर? देखिए इहा के अंदर तो जो मेरे पास भी कुछ लोगों का था, तो मेरे पास भी फोन आया था, तो कई काफी कोशिश करी लोगों ने लेकिन नहीं हो पाया था। तो मैंने उनको एक अपने माइंड से तरीका बताया कि जो आपका नाम है ऊपर लिखिए और सर नेम के अंदर सिर्फ एक छोटा सा डॉट आता है मोबाइल पे भी, सिर्फ डॉट लगाया और एक्सेप्ट नेक्स्ट पे किया, प्रोसेस ले लिया, तो उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। और एक ट्रिक, आप जब लोग ईहा में रजिस्ट्रेशन करते हो और जब एज का कॉलम आता है तो बहुत बार अगर टेक्निकली आपको ठीक से गूगल पे जाके अगर आप वो नहीं कर पाओगे तो फिर आप सीधा कर सकते हो। अभी जो 2021 चालू है उसमें से आप अपना जो बर्थडे का ईयर है जैसे 1980 हो गया, 1985 हो गया, वो माइनस कीजिए, जो आएगा वो आप वहां पे मेंशन कर दीजिए। ये सबसे सिंपल तरीका रहेगा आप लोगों के लिए। सर एक क्वेश्चन है सर, डेली वही एड देखने के लिए मिलेगा? 60 एड जो आएंगे जो कैटेगरी सेलेक्ट की है, क्या डेली वही एड आएंगे? सर थोड़ा रुकिए, आएगी आने वाले दिनों में पता चलेगा कि किस तरीके से रहेगा, डेली आएगा या रिपीट होगा, या मेरे ख्याल से रिपीट एड तो नहीं रहेंगे सर, पर कभी कभी बार रिपीट हुआ करेंगे वो, क्योंकि एड रिपीट होगा तभी जाके आप उसको अपने माइंड में थीम बना पाओगे और परचेसिंग के लिए जा पाओगे। तो कंपनी का तो वही मोटो रहता है कि आप वो चीज को बार बार देखें, बार बार देखने वाली चीज माइंड में बैठती है, फिर हम उसके प्रति सोचते हैं कि हम इसको बाय करें। हाँ पंडित जी, हाँ सर बोलिए। थैंक यू। इसका बिल्कुल सिंपल सा है कि जो कंपनी जिस हिसाब से इनको पेमेंट करेगी, एड वाली कंपनी जिस हिसाब से इनको एडवर्टाइजर को पेमेंट करेगी, पतंजलि को एड दिखाना है तो पतंजलि अगर डेली बेसिस पे पैसा पेड करेंगे तो उनको डेली बेसिस पे, आप लोग टीवी के ऊपर एड नहीं देखते हैं क्या? सब लोग देखते हैं कि टीवी के ऊपर कौन सा एड आता है। जो डेली बेसिस पे पेमेंट करेंगे उनका डेली बेसिस पे आएगा, जो एक दिन पेमेंट करेंगे उनका एक दिन के हिसाब से आएगा। ये सिंपल सा लॉजिक है सर, सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि जो हम टीवी के ऊपर जिस टाइप से एड देखते हैं सेम यहां भी वही प्रोसेस है, यहां कोई अलग से नहीं है। एप्पल अगर डेली पेमेंट करता है ही हा को तो डेली एप्पल के एड आएंगे, एप्पल अगर 12 प्रो मैक्स का प्रचार डेली करता है तो डेली सॉरी पेमेंट देता है तो डेली उसके उस मोबाइल का वो आएगा, एड आएगा। अगर फॉर्चुनर डेली अपना पैसा पेड करेगा इनको तो डेली आएगा, फॉर्चुनर बोलेगा नहीं मुझे एक ही दिन दिखाना तो एक ही दिन उसका ऐड आएगा, अगले दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन कार के ऊपर आपने सिलेक्ट किया है तो बहुत सारे वर्ल्ड में कारें हैं, बहुत सारे वर्ल्ड में कार की मालिक हैं जो इनसे कॉन्टेक्ट में हैं, मेरे भी ऐड आप दिखाइए, तो उस टाइप से ऐड आता है। जी सर थैंक यू। और एक चीज इसके ऊपर, जैसे कि कंपनी ने बताया है कि आपको 25 कैटेगरी सिलेक्ट करनी है और 25 कैटेगरी के आपको 50 ऐड आएंगे और 10 ऐड जो रहेंगे वो आपको कंपलसरी रहेंगे, तो कंपलसरी ऐड उन्हीं ब्रांड की रहेंगी कि जो कंपनी को भी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करके दे, या हमें भी डेली बेस पे वो अगर ऐड हम देखते हैं तो हमें भी वो शेयरिंग करे जो यूरो हमें मिलने वाला है। तो कुछ कुछ ऐसे ब्रांड होते हैं जैसे हम इंडिया में देखते हैं कि गवर्नमेंट की कोई ऐड रही तो कंपलसरी हर चैनल में हर एक एडवर्टाइजमेंट के गैप में वो दिखाई ही जाती है, दिखानी पड़ती है। ऐसे कंपल्शन वाली जो 10 ऐड रहेंगी वो तो हमें कंपलसरी डेली देखना है और 50 ऐड में वेरिएशन आपको मिल सकता है। थैंक यू।